दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय इंडियन करियर डिफेंस एकेडमी। भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता जिला मुख्यालय धर्मशाला के श्याम नगर गोरखा भवन में आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडीसी कांगड़ा राहुल कुमार जबकि विशेष अतिथि के रूप में मास्टर मित्र सेन समिति की अध्यक्ष मौजूद रही। इस दौरान जिला कांगड़ा के लोक नृत्य झमाकड़ा गद्दीनाटी नेपाली लोक नृत्य पंजाबी गिद्दा सहित 15 से अधिक टीमों ने अपनी प्रस्तुतियों से खूब तालियां बटोरी। इसमें विजेता रहने वाली टीमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला कांगड़ा का प्रतिनिधित्व करेंगी। भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला कांगड़ा द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला के उपलक्ष्य पर जो है आज जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता धर्मशाला के गोरखा भवन श्याम नगर में करवाया जा रहा है। इसमें लगभग अभी तक जो है वो हमारे पास 15 टीमों के जो है सांस्कृतिक दलों की नाम जो है वो अभी रजिस्टर्ड हो चुके हैं और इसके अलावा भी कुछ दल जो हैं वो आ रहे हैं। और ये कार्यक्रम जो है भाषा एवं संस्कृति विभाग हर वर्ष जो है इस तरह की लोक नृत्य प्रतियोगिता करवाता है ताकि जो जो हमारे जितने भी सरकारी कार्यक्रम रहते हैं उन कार्यक्रमों में इन ग्रुपों को भेजने के लिए जो हमारे यहाँ पे दल प्रथम द्वितीय और तृतीय आते हैं उनको हम जो है रूटीन वाइज उन कार्यक्रमों में भेजते हैं। इसके अलावा जो आज जो यहाँ पे हमारे जो दल आए हैं उनका जो प्रथम ग्रुप रहेगा वो राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता में शिमला में जो कार्यक्रम होगा उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। और जो हमारे यहाँ पर जो टीमें आई हुई हैं लगभग उनको 15,000 रुपये उनका जो मानदेय है हर टीम को जो है वो विभाग की तरफ से दिया जाएगा। और विनर प्राइस क्या सर? इसमें उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड को हमने ट्रॉफी वगैरह रखी है। बाकी जो टीमें पार्टिसिपेट कर रही है उन सभी को जो है वो 15,000 रुपये का मानदेय सभी को एक बराबर रखा हुआ है। कई इसकी शुरुआत आज चीफ गेस्ट जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे एडीसी कांगड़ा श्री राहुल जी ने यहाँ पे दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। और विशिष्ट अतिथि जो हैं वो साधना नेपाली जी हैं जो मास्टर मित्र सेन संगीत साहित्य की जो वे अध्यक्ष हैं। देशज विभाग का जो है हिमाचल प्रदेश का सभी जिलों के जितने भी हमारी जो संस्कृति है उसका संरक्षण और संवर्धन रहता है और जो हमारी प्राचीन जो संस्कृति जो है वो विलुप्त हो रही है उसका भी हम संरक्षण और संवर्धन जो है वो करते हैं। उसी के चलते हर जिला में जो है इस तरह की जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो करवाया जाता है ताकि हम अपनी संस्कृति को जो है वो जीवंत रख सकें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट।